वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वेज कोल्हापुरी। इसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब तेल डालेंगे। वेज कोल्हापुरी बनाने के लिए मैंने 1/2 कप गोभी लिया है, 1/2 कप बीन्स, 1 कप आलू, 1/2 कप गाजर और 1/2 कप शिमला मिर्च। सभी को डालकर एक साथ कुछ देर के लिए भुनेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। अब हम लास्ट में मटर डाल देंगे और कुछ देर वापस सॉटे करेंगे। अब हम सब्जी को निकाल लेंगे। इसी पैन में वापस 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे, फिर 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून छोटी इलायची, लौंग, जावित्री, अदरक, लहसुन, काजू और मगज। सभी को फ्राई करेंगे। अब हम डालेंगे 2 कटा प्याज, टमाटर। तो सबसे पहले हम प्याज डालकर सभी को कुछ देर के लिए भून लेंगे। अब डालेंगे टमाटर। टमाटर मैंने 3 लिया था। सभी को 1/2 टीस्पून नमक डालकर कुछ देर के लिए भुनेंगे। टमाटर थोड़ा गल जाए उतना ही भुनना है। अभी अच्छे से भुन चुका है, अब इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के बाद एक दरदरा पेस्ट तैयार करेंगे। मैंने 3 टेबलस्पून तेल डालकर पैन को गरम कर लिया है। अब इसमें जीरा डालेंगे। अब डालेंगे मसाला जो मैंने तैयार किया था। इसे अच्छे से भून लेंगे। इसमें हम कुछ और मसाला ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे। पहले भी मैंने नमक डाला हुआ था, इसलिए मैं 1 टीस्पून ही नमक डालूंगी। अच्छे से मिक्स करके ढक ढक कर हमें इसे भूनना है और बीच बीच में इसे हिलाना है। इसका फ्लेम मीडियम रहेगा। ढक्कन हटा लेंगे और सारे वेजिटेबल को इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है, भून चुका है। अब इसमें डालेंगे पानी। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमें सब्जी को गलाना नहीं है। अब हम पनीर डालेंगे।
थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालेंगे हाथ से क्रश करकर, इसे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब गरम मसाला डाल देंगे, और लास्ट में 2 पिंच चीनी डालेंगे जिससे सब्जी का कलर काफी अच्छा है। अब हम ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए इसे कुक होने देंगे। बीच बीच में एक दो बार इसे हिला लेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। अब देख लेते हैं, सब्जी हमारा बिल्कुल रेडी है और तेल ऊपर अच्छे से आ चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ करकर इसमें डालेंगे धनिया पत्ती। थोड़ा मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। काफी अच्छे से सब्जी कुक हो चुका है, सब्जी हमारा रेडी है सर्व करने के लिए। इसे हम निकाल देंगे अब सर्विंग बाउल में। अब हमारा वेज कोल्हापुरी रेडी है, इसे थोड़ा गार्निश करेंगे। इसमें थोड़ा बटर डालेंगे। इसमें हम थोड़ा पनीर ग्रेट करके डालेंगे। और थोड़ा धनिया पत्ती ऊपर से डालेंगे। तो लीजिए, हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल का वेज कोल्हापुरी रेडी है। आप इसे किसी चीज के साथ भी खा सकते हैं, राइस हो, रोटी हो, पराठा हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वेज कोल्हापुरी की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और अच्छी रेसिपी के साथ।